नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर आउट मामले में अब एसओजे कड़ियां जोड़ने में लगी है। मामले में भूपेंद्र सारण को पेपर देने वाले आरोपी शेर सिंह से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां एसओजे के हाथ लगी हैं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर एसओजे अब लगातार कार्रवाई कर रही है। एसओजी ने इस मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसओजी के एडीजी अशोक राठौर ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर आउट होने के मामले में एसओजी ने अरुण शर्मा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अरुण शर्मा ने शेर सिंह से परीक्षा का पेपर लिया था, उसने ही यह पर्चा अभ्यर्थियों को हल करवाया था। अरुण शर्मा सीकर जिले के श्री माधोपुर का निवासी है। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दोनों के जनाजे में महज 100 लोग शामिल हुए। अतीक को बेटे असद से महज 5 कदम की दूरी पर दफन किया गया। अतीक को मिट्टी देने उसके दोनों नाबालिग बेटे भी आए, जो बाल सुधार गृह में बंद है। अशरफ को मिट्टी देने उसकी पत्नी जैनब और बेटी आई। अंतिम संस्कार में आधार कार्ड देखकर एंट्री दी गई। इसमें ऐसे ही लोगों को एंट्री मिली जो परिवार के थे। वही अतीक और अशरफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी भी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बताया कि अतीक को 9 और अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। गोलियां सिर, सीने और पेट में मारी गई। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 11B पर विष्णुदा गांव के पास स्विफ्ट कार और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना पर COCT सुरेश सांकला सदर थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों और मृतकों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से 4 घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। मृतकों के शवों को शव गृह में रखवा दिया गया। CO सुरेश सांकला ने बताया कि आगरा के रहने वाले 8 लोग करौली जिले में कैला देवी माता के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी बाड़ी रोड पर विष्णुदा गांव के पास स्विफ्ट कार और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। CO ने बताया कि 70 वर्षीय विमला शर्मा निवासी आगरा, 30 वर्षीय सुमन खटीक, 8 वर्षीय आशु खटीक 8 साल और 40 वर्षीय ड्राइवर कमलेश उर्फ गुड्डू चौहान की मौत हो गई। 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 21 मई को होगा। अब तक प्रदेश भर में कुल 458,330 आवेदन जमा हुए हैं। PTET 2023 के अजमेर जिला समन्वयक SPC GCA के डॉक्टर KG भड़ाना ने बताया कि परीक्षा की तैयारियों को लेकर सभी जिला समन्वयकों की कार्य योजना बैठक भी 19 तारीख को होगी। उन्होंने बताया कि राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड बीएससी बीएड में प्रवेश के लिए परीक्षा 21 मई को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने में अभी खासी तादाद में स्टूडेंट वंचित रह गए हैं, जिन्हें एक और मौका देते हुए तारीख बढ़ाई गई है। बीकानेर जिले के बीकानेर खाजूवाला मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें PBM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। SI महेंद्र सिंह ने बताया कि खाजूवाला बीकानेर रोड पर 4 ADM के पास कार व ट्रक की भिड़ंत हुई, जिसमें कार चालक राजकीय विद्यालय 37 KYD के कार्यरत अध्यापक राजेंद्र आचार्य के चोट लगी, जिसके बाद उन्हें पूगल CHC पहुंचाया गया, जहां से PBM के लिए रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार पूगल निवासी रमजान खान ट्रक लेकर खाजूवाला से बीकानेर जा रहा था और शिक्षक राजेंद्र आचार्य राजासर भाटियान स्थित भैरवजी के मंदिर से होकर खाजूवाला जा रहा था, तभी 4 ADM के पास ट्रक को कार की इतनी तेज टक्कर लगी थी कि ट्रक के पिछले पहिए वह हिस्सा निकल गया। इसी दरमियान ट्रक का पीछे का हिस्सा वह कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में सीकर निमका थाना स्टेट हाईवे पर छापोली और मंडावरा के बीच रात एक पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 3 जनों की मौत हो गई। हादसे में एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार छपोली से मंडावरा की तरफ बाढ़ के नजदीक स्थित एक खेत में काम करके 4 जने वापस अपने घर छपोली की तरफ आ रहे थे। रास्ते में पावर हाउस के नजदीक एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 3 जनों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने CI ब्रजेंद्र सिंह राठौर को बताया कि सागरमल अपने खेत पर काम करने के लिए गया था। वे अपने साथ कजिन पौत्र
कृष्ण कुमावत को भी लेकर गया था। उनके साथ खेत के नजदीक दूसरे खेत में काम करने के लिए मंजू देवी भी गई थी। मंजू अपने साथ अपने पौत्र शिवांश मीना को लेकर गई थी। हादसे में सागरमल कुमावत, मंजू मीना व शिवांश की मौत हो गई। जोधपुर जिले के औसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दो वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि एक दिन पहले यानी 10 अप्रैल को उन्हें धमकी मिलती है और 11 तारीख को उन पर भोपालगढ़ में जानलेवा हमला होता है। पुलिस ने सजगता दिखाई तो मैं बच गई, वरना अभी भगवान के पास होती या पक्का आईसीयू में। दिव्या मदेरणा के इस ट्वीट के जरिए फिर से हमलावर होने से कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से सामने आ गई है। उन्होंने साफ तौर पर पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ पर आरोप लगाए। दिव्या मदेरणा ने लिखा कि 10 अप्रैल को 3 थानों की पुलिस की मौजूदगी में उन्हें धमकी मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तू मारा हाथ में झिलगी तो मार न खुला। यह धमकी पूर्व सांसद जाखड़ द्वारा देने का आरोप लगाया। चोरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में NH 52 पर होटल झंकार के पास गांव सिरसली से रात को चूरू की पुनिया कॉलोनी में एक शादी समारोह में आयोजित भोज में शामिल होने आ रही बस को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर में बस में सवार करीब 20 जने गंभीर घायल हो गए। घायलों में एक 2 साल की बच्ची भी शामिल है। बस में सवार लोगों ने बताया कि पुनिया कॉलोनी में शादी समारोह से पहले आयोजित भोजन में शामिल होने के लिए आ रहे थे। बस के लोग आपस में बातचीत करते हुए आ रहे थे। झंकार होटल के पास अचानक पीछे से आ रहे एक ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही बरतते हुए बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि लोगों का संतुलन बिगड़ गया। बस में बैठे लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पाली जिले में एक 8 साल की मासूम की जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई। परिवार इस गम से अभी पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि रात को घर में छत पर सोने जाते समय करंट लगने से घर के मुखिया की अकाल मौत हो गई। ऐसे में पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। 15 साल का मासूम अपने पिता की बॉडी देख हॉस्पिटल में रोते नजर आया। वह बार बार यही कह रहा था कि हादसे की खबर अभी माँ को मत देना, वह सहन नहीं कर पाएगी। दरअसल हादसा पाली शहर के नया गांव रोड स्थित सूर्य कॉलोनी में हुआ। इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले 45 साल के लिखमाराम माली अपने निर्माणाधीन मकान की छत पर सोने जा रहे थे। दीवार पर हाथ रख सीढ़ियां चढ़ते समय लिखमाराम का हाथ बल्ब पर लग गया, जिससे उन्हें जोर का करंट लग गया और उनकी मौत हो गई। डूंगरपुर जिले में स्कूल से परीक्षा देकर लौट रहे 4th कक्षा के छात्र की शहर के पतीला तालाब में डूबने से मौत हो गई। छात्र के डूबने पर अन्य छात्र वहां से भाग गए। गांव वालों ने तालाब किनारे स्कूल बैग और कपड़े देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चलाया और शव को बाहर निकलवाया। कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि शहर के वखारिया चौक निवासी अक्षत भाटिया विद्या निकेतन स्कूल में कक्षा 4th का छात्र है। अक्षत स्कूल की परीक्षा देकर अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था। रास्ते में पतेला मोहल्ले में स्थित तालाब पर अक्षत अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए रुक गया। नहाते समय अक्षत तालाब में अधिक गहराई में चला गया, जिससे वह डूबने लगा। इसके बाद उसके दोस्त डर कर वहां से भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक अक्षत एक छोटा भाई है, वही उसके पिता कुवैत में नौकरी करते हैं।